morning, students. Today we are continuing our chapter number 10, transportation in animals and plants. And our topic is the human heart. Okay, so we will study the pumping organ of our body. That is human heart, जो हमारी body के अंदर blood को supply करने का काम करता है. वो कौन होता है? हमारा heart होता है. इससे पहले जो videos थी, उनमें आपने पढ़ा था about the blood and the blood vessels. ब्लड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी ओके एंड रिमूविंग द CO2 फ्रॉम द बॉडी ओके बट व्हिच इज द ऑर्गन व्हिच हेल्प्स दिस ब्लड कौन उसकी हेल्प करता है ये सारा काम करने के लिए इट इज अवर हार्ट वो हमारा हार्ट है जो उसकी हेल्प करता है फॉर डूइंग ऑल दिस फंक्शनिंग ओके सो नाउ लेट्स डिस्कस द ह्यूमन हार्ट इन डिटेल देखो बेटा जो हार्ट होता है उसकी लोकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट हमारा होता कहाँ पर है इट इज बिटवीन आर टू लंग्स हमारे जो लंग्स होते हैं उनके बीच में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है बट इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट बट ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड होता है दैट्स व्हाई वी यूजुअली से जो हमारा हार्ट होता है ना वो लेफ्ट साइड में ठीक है इसलिए हम इसको लेफ्ट में बोलते हैं ओके एंड इट इज इनसाइड द चेस्ट कैविटी के अंदर होता है नाउ आवर चेस्ट कैविटी हैज रिब केज होता है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है जैसे कि लंग्स को और हार्ट को हमारा रिब केज प्रोटेक्ट करने का काम करता है सो इट इज प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज सो दैट इट डज नॉट गेट एनी काइंड ऑफ इंजरी शॉक्स ओके इस तरह के प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास रिब केज इसकी प्रोटेक्शन करता है नाउ नेक्स्ट थिंग इज इसका साइज कितना है कितना बड़ा है छोटा है ये इसका साइज होता है अबाउट द साइज ऑफ द फिस्ट कितना बड़ा है ये हमारे कुत्ते के जितना है ओके ओके सो वी कैन से कि हमारी कुत्ती कितना कौन है हमारा हार्ट है ओके देन वी हैव फोर चैम्बर्स इनसाइड आवर हार्ट हमारे हार्ट के अंदर ना फोर चैम्बर्स होते हैं अब आप सोचोगे चैम्बर्स क्या चैम्बर्स को हम ये मान सकते हो कि जो सपोज करो कि आपका कोई पैलेस है उसमें फोर रूम्स है ओके तो उसी तरह से हमारे हार्ट हमारा जो हार्ट है वो क्या है एक पैलेस है तो उसके फोर रूम्स हैं अब इन फोर रूम्स के ना हमने अलग अलग नाम दिए इसको बोलते हैं राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनको हम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट ओरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल भी बोलते हैं ठीक है सो दीज आर द फोर चैम्बर्स ऑफ आवर हार्ट ओके एंड जो हार्ट होता है उसके अंदर कौन सी मसल्स होती है हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स आप लोगों ने कार्डियक वर्ड पढ़ा होगा कि जब हार्ट सर्जन होता है ना वो एक कार्डियोलॉजिस्ट होता है हम जनरली बोलते हैं जिसको हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो वो कार्डियक के पास जाता है ठीक है सो द डॉक्टर वो डील्स विद द हार्ट प्रॉब्लम्स दैट इज द कार्डियक और द कार्डियोलॉजिस्ट ओके ये जो कार्डियक मसल्स होती है ना ये हमारी पूरी लाइफ काम करती रहती है विदाउट टायरिंग मतलब ये कभी थकती नहीं जैसे आप काम करके थक जाते हो बट अगर ये थक गई एज यू विल डाई सो दे वर्क अनटायरिंगली ओके देन वी हैव सेप्टम आप सोचोगे सेप्टम क्या सेप्टम आप रिलेट कर सकते हो सेपरेशन के साथ ठीक है सेप्टम क्या करता है हमारे जो ये चैम्बर्स है ना इनको सेपरेट करने का काम करता है क्या करता है सेपरेट करने का काम करता है ऑरिकल्स को वेंट्रिकल्स ठीक है सॉरी ऑक्सीजन ताकि इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो तो इनको सेपरेट करने का काम कौन करता है वो हमारा सेप्टम होता है Now, let's discuss the circulation of blood inside our heart. कि हमारा जो ब्लड है उसकी सर्कुलेशन किस तरह से होती है हमारे हार्ट के अंदर सो लेट्स सी दिस डायग्राम अब इसमें क्या है बेटा आपके पास सबसे पहले सपोज करो आपका ये बॉडी का पार्ट है एंड दिस इज योर लंग्स अब लंग्स के अंदर क्या हुआ ऑक्सीजन जब एंटर करती है तो वहां पे कौन सा ब्लड आता है ब्लड के साथ जब वो कंबाइन करेगी तो कौन सा ब्लड बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर करेगा फ्रॉम द पल्मोनरी वेन ओके एंड पल्मोनरी वेन से कहाँ जाएगा ये लेफ्ट एट्रियम में जाएगा कहाँ पर जाएगा लेफ्ट एट्रियम में जाएगा एंड देन इट गोज टू द लेफ्ट वेंट्रिकल इट विल गोज टू द लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद में हमारी बॉडी में सप्लाई हो जाता है कहाँ पर बॉडी में सप्लाई हो जाता है अब याद रखो कि जो पल्मोनरी वेन है ना वैसे तो वेन्स जो होती है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी
लंग्स, ये कहाँ पर जाएगा? लंग्स के पास जाएगा, ठीक है। एंड हाउ डज इट गोज, ये किस तरह से जाएगा? पल्मोनरी आर्टरीज को लेकर जाएगा, ओके। दैट मीन्स ये जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कौन सा ब्लड लेकर जाती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। जनरली आर्टरी जो होती है वो कौन सा ब्लड कैरी करती है? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है, बट पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को वो लेकर जाती है फ्रॉम योर बॉडी टुवर्ड्स द लंग्स। फिर जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास जाएगा तो इसमें ऑक्सीजन मिक्स होगी, ठीक है। ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद में फिर दोबारा से पल्मोनरी वेन के थ्रू आपके लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी को पहुंच जाएगा। एंड इन सिमिलर वे ये साइकिल चलती रहेगी, मींस कि आपकी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हार्ट को सप्लाई करती है, हार्ट उसको प्योर करके हार्ट क्या करेगा, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा, ठीक है। हार्ट उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा, तो ये चारों चैम्बर्स की हेल्प से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता रहता है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। नाउ रीड दिस टॉपिक फ्रॉम योर बुक, ओके, एंड फॉर